खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर क्षेत्र के कुंजा ग्रंट गांव में सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की ओर से कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि भाजपा जिला महामंत्री नरेश कुमार के अनुरोध पर सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसमें सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने पंजीकृत 400 श्रम कार्ड धारकों को टूल किट और अन्य सामान का वितरण किया। इसी दौरान विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना भी कामगारों के सामने रखी। विधायक ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को मिले, ऐसा हमारी सरकार का हरदम प्रयास रहता है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज जो है श्रम विभाग के द्वारा जिन माताओं बहनों और भाइयों के रजिस्ट्रेशन हैं, लगभग 400 लोगों को आज यहां पर सामान वितरण किया जा रहा है। और ये हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें हम लोग कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और आज जो है उसी माध्यम से कुंजा ग्रांट में यहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर ये आज कैंप लगाया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 400 लोगों को यहाँ सामान वितरण किया जा रहा है, लेकिन जब मैं देख रहा था कि लगभग मेरे ख्याल से 600-700 लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और जो हमारी सरकार का संकल्प है मात्र शक्ति का सम्मान, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और मात्र शक्ति के महिला समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। और आज मैं देख रहा हूँ हमारी मातृ शक्ति इतनी जागरूक है, आप देख रहे हैं कि 600-700 लोगों में लगभग 500 हमारी बहनें आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हैं, और मुझे खुशी इस बात की है हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। और जब मैंने उन बहनों को पूछा कि सरकार की योजनाओं